नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानिया स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं पिछले कुछ समय से डिफरेंट ग्रहों की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा के रिजल्ट कैसे होते हैं वो बता रहा हूं, और पीछे कुछ वीडियो से चल रहा है कि मंगल की महादशा में विभिन्न प्रकार के ग्रहों की या विभिन्न ग्रहों की अंतरदशा के फल कैसे मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मंगल की महादशा हो और उसमें शुक्र की अंतरदशा, बहुत लोगों की चल रही हो सकती है, अपनी अपनी कुंडली में चेक भी कर लीजिए। मंगल की महादशा हो और उसमें शुक्र की अंतरदशा हो तो कैसे फल मिलेंगे, बारे में महर्षि पाराशर ने बहुत स्पष्ट रूप से मैत्रेय से कहा है। मैत्रेय उनके गुरु शिष्य थे और महर्षि पाराशर जो वेद व्यास के पुत्र थे, उन्होंने जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उन्होंने बड़े ही स्पष्ट वे में मैत्रेय से बोला कि हे मैत्रेय, शुक्र की अंतरदशा का फल उन्होंने बताया है कि कुछ सिया अंतर्गते शुक्र केंद्र लाभ त्रिकोण गे स्वच्छे वा स्वरक्ष गे वापी शुभ स्थानाधिपे अथवा राज्य लाभो महत सौख्यम गजाश्वरम बमंजन भूषणम लग्नाधिपे ने संबंधे पुत्र दारादिवर्तनम आयुषो वृद्धि ऐश्वर्य भाग ये वृद्धि सुखम भवे। क्या मतलब है इस चीज का? वो कहते हैं कि मंगल की महादशा हो, कुछ सिया अंतर्गते शुक्रे, मंगल की महादशा हो और उसके अंतर्गत शुक्र की अंतरदशा हो, और शुक्र केंद्र लाभ त्रिकोण के केंद्र भाव में हो, लगन से केंद्र में हो, लाभ में हो, त्रिकोण में हो, उच्च राशि का हो, स्वेच्छे या स्व राशि का हो, या वापि शुभ स्थान अधिपे अथवा या शुभ स्थान का अधिपति हो, शुभ स्थान का अधिपति हो, केंद्र त्रिकोण का अधिपति हो, इसलिए उन्होंने बोला है उसको। तो क्या होगा? तो ऐसे शुक्र की अंतरदशा में राज्य लाभ हो महत सौख्यम, राज्य का लाभ होगा, यानी गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, महत सौख्यम, महत सौख्यम मीन्स आपको धन मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। गजाश्वरांबर भूषणम, ये क्या है? मतलब हाथी घोड़े वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होगी। तो हाथी घोड़े तो आज की डेट में नहीं है, मतलब आप मान सकते हैं कि आपको वाहनों की, व्हीकल्स की, लग्जरी व्हीकल्स की, वस्त्रों की, अच्छे वस्त्रों की, ब्रांडेड वस्त्रों की और आभूषणों की प्राप्ति होगी। लग्नाधिपेन संबंधे, यदि शुक्र का लगन से संबंध हो जाए कि शुक्र जो है जिसकी अंतरदशा चल रही है मंगल की महादशा में, और वो लग्नाधिपेन संबंधे लगन के साथ ही बैठ जाए तो पुत्र दारादिवर्तनम, यानी तो क्या होता है, संतान और पत्नी का सुख मिलता है। आयुषो, आयु बढ़ती है, आयु वृद्धि होती है, वृद्धि ऐश्वर्य भाग्य वृद्धि सुखम भवेत, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, भाग्य की वृद्धि होती है और हर प्रकार का सुख मिलता है। तो कहा है कि मंगल की महादशा हो और उसमें शुक्र की अंतरदशा हो, और शुक्र यदि लगन से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो तो उसकी दशा में उच्च राशि या स्व राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में राज्य लाभ, पूर्ण सुख, हाथी घोड़ा एवं वस्त्राभूषण का लाभ होता है। यदि शुक्र का लगन से साहचर्य हो तो पत्नी पुत्र आदि सुख मिलता है, आयु वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, भाग्य का उदय होता है। इसके विपरीत वो कहते हैं दायशात केंद्र त्रिकोणस्थे, दायशा केंद्र कोणस्थे लाभे वा दन गे अपी वा तत्काले श्रियम आपनोति पुत्र लाभम महत सुखम स्व प्रमोदश्च महत सौख्यम धन वस्त्रादि लाभ कृते महाराज प्रसादेन ग्राम भूम्यादि लाभ कृते। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं शुक्र यदि दायशात केंद्र त्रिकोणस्थे लाभे, शुक्र यदि महादशा स्वामी से, जो मंगल की महादशा है, यदि शुक्र उसके उससे केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो, महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, आई रिपीट, लगन से नहीं, महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो तो क्या होगा, या द्वितीय भाव में स्थित हो शुक्र धन गे अपी वा तो तत्काले श्रियम आपनोति पुत्र लाभम महत सुखम, तो तत्काल संतान की प्राप्ति होती है, जातक को धन लाभ प्राप्त होता है, स्वय प्रबोधश्चय अपने आप को खुशी मिलती है, महत सौख्यम बहुत सुख मिलता है, धन वस्त्रादि लाभ प्रत्यय धन और वस्त्रों का लाभ होता है, महाराज प्रसादेन महाराज यानी गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन मिलती है, राजा से कृपा मिलती है, ग्राम भूमि आदि लाभ प्रत्यय ग्राम और भूमि का लाभ होता है, आप जमीन खरीद सकते हैं। भुक्ति अंते फल मापनोति, इसमें कहा है कि इस अंतरदशा में गीत नृत्य आदि लाभ प्रत्यय संगीत में आपका मन लगता है, गीत नृत्य आदि में आपकी अभिरुचि बढ़ती है, पुण्य तीर्थ स्थान लाभ हम पुण्य तीर्थों में आप स्थान पुण्य तीर्थों में आप स्नान करते हैं और उनका लाभ प्राप्त करते हैं। फिर वो कहते हैं कि यदि कर्माधिप संबंधित अगर शुक्र जिसकी अंतरदशा है वो दशमेश के साथ हो, कर्माधिप कौन है, कर्माधिप
कर्माधिक होता है हमारा जो दसवें भाव का स्वामी है, तो उनके साथ हो तो पुण्य धर्म दया कुपर कांगम करिष्यति। तो ये कहता है अगर शुक्र का साहचर्य दशमेश से हो तो जातक पुण्यकार धर्म दया आदि में आस्था रखता है एवं कुएं आदि का निर्माण कराता है। कुएं या तालाब आदि का को प्रांग जो बोलते हैं उसमें कुआ या तालाब आदि को बोलते हैं, कुएं तालाब आदि का निर्माण करता है। इसके बाद उन्होंने कहा है साफ रूप से कि दायशाद रंध्र सस्ते सस्ते व पाप संयुते करोति दुख बाहुल्यम देह पीड़ा दंशयम राज चौराधि भीतस्य ग्रहे कल दार पुत्रादि पीड़ा चय गोम हिष्या दिनाश करते। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ कहते हैं कि शुक्र यदि महादशा स्वामी से, पहले महादशा स्वामी से केंद्र त्रिगुण लाभ भाव में था पिछले वाले श्लोक में, इसमें कहते हैं कि अगर महादशा स्वामी से षष्ठ भाव में हो, रंध्र रंध्र मीन्स अष्टम भाव में हो, या फस्ते फस्ते मीन्स बारहवें भाव में हो, यानी शुक्र यदि महादशा स्वामी से छठे आठवें और बारहवें भाव में हो और पाप ग्रह से युत हो तो क्या होता है, दुख बाहुल्यम धे पीड़ा दंशयम, धन का नाश होता है, धे में पीड़ा होती है, दुख का वास होता है, महान कष्ट होता है, राजा चौराधि भीतस्य, राजा की कृपा नहीं होती, राजा से डर पैदा होता है, आपका प्रमोशन नहीं, आपका डिमोशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, आपका कोई इंक्रीमेंट रुक सकता है, घर में कलह ग्रह कलह में चय घर में कलह बढ़ सकती है, दारा पुत्रादि पीड़ा संतान और पत्नी को पीड़ा हो सकती है, और घर में जो गाय भैंस आदि पशुओं को नाश भी हो सकता है। ये सब चीजें दी हैं अगर शुक्र यदि महादशा स्वामी से छठे आठवें या बारहवें भाव में स्थित हो और पाप ग्रह के साथ हो। फिर उन्होंने बोला है द्वितीय दुन्नाते तु देह पीड़ा भविष्यति श्वेतां गा महिषम दद्यात् आयुरोग्य वृद्धये। यानी शुक्र यदि द्वितीयेषु द्वितीय भाव का स्वामी हो, धुन धुन बोलते हैं सप्तम भाव को, नाथे यानी सप्तम भाव का स्वामी हो, शुक्र यदि द्वितीयेषु द्वितीय का और सप्तम भाव का स्वामी हो तो तू देह पीड़ा भविष्यति, तो देह में पीड़ा होती है, शारीरिक कष्ट होता है, श्वेतां गा महिषीं दद्यात्, ऐसे में अनिष्ट निवारण के लिए गाय भैंस का दान करना चाहिए, तभी आयु के आरोग्य की वृद्धि होती है। तो ये बहुत जरूरी है, शुक्र अगर द्वितीयेश सप्तमेश हो तो उसकी अंतर्दशा में अपमृत्यु का भय रहता है, देह में पीड़ा होती है, जिसके निवारण हेतु गाय भैंस का दान करना चाहिए और ऐसा करने से आयु एवं आरोग्य की वृद्धि होती है। तो ये था मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।